हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को छह डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। ये जो छह डिफरेंट टाइप्स थे, ये छह डिफरेंट टाइप्स इस तरह से थे। सबसे पहले था कॉम्प्लेक्स हैविंग नो कॉम्प्लेक्स आयन। फर्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स हैविंग नो कॉम्प्लेक्स आयन, दैट मीन्स ना तो उसके पास कटायन होगा ना एनायन होगा। सेकेंड टाइप था कॉम्प्लेक्स हैविंग कॉम्प्लेक्स कटायन। थर्ड था कॉम्प्लेक्स हैविंग कॉम्प्लेक्स एनायन। फोर्थ वन था कॉम्प्लेक्स हैविंग बोथ कॉम्प्लेक्स कटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। फिफ्थ वन था प्रिस्ट कॉम्प्लेक्सेस एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस टाइप से हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को छह डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज किया था। इस वीडियो में मैं आपको ये जो हमारे फर्स्ट दो पार्ट है, पहले वाला जो है, फर्स्ट वाला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैविंग नो कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कि जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसकी आईपीसी सीखेंगे, और दूसरा ये जो सेकेंड टाइप्स है कॉम्प्लेक्स हैविंग कॉम्प्लेक्स कैटायन, इन दोनों की आईपीसी मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स हैविंग नो कॉम्प्लेक्स आयन। तो हम इसकी आईपीसी की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्सेस हैविंग नो कॉम्प्लेक्स आयन। देखो, इसको मैं इन शॉर्ट जो बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड। देखो, एक नॉर्मल से जनरल एग्जांपल के लिए कंपाउंड ले लेते हैं। जो मेरा कंपाउंड है वो है CO NH3 का होल थ्राइस और Cl3। अगर मैंने इस कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया है तो ये इस तरह से एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा। That means, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मैंने उसे एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो वो नॉर्मली उसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ना तो उसमें कटायन है और ना ही उसमें क्या है, एनायन है। ओके, तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस है, हम उसका आईपीसी नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे? तो इस टाइप का जो जनरल फॉर्मेट आएगा, पहले मैं आपको फॉर्मेट लिखाऊंगा। यहां पे सेंट्रल मेटल एटम होगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, लिगेंड्स होंगे, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के लिए मैं क्या लगा देता हूं, एन नंबर्स ऑफ लिगेंड। तो देखो, इसका जो फॉर्मेट है इसको किस तरह से लिखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले आएगा नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। ओके, देखो ये जो नेमिंग होगी, ये नेमिंग होगी विद नंबर, और विद नंबर भी ये जो चीज होगी वो अल्फाबेटिकली होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या लिखना है, जो लिगेंड्स है उसकी नेमिंग करनी है, उसकी नेमिंग विद नंबर होगी और अल्फाबेटिकली होगी। देन अगर और लिगेंड है, सब लिगेंड के साथ ऐसी होगा, चाहे सिंगल लिगेंड है चाहे डबल लिगेंड है। ओके, देन उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम होगा। उसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम उसका नाम होगा, देन उसके बाद आपको एक पैरेंथेसिस लगाना है, ये ब्रैकेट लिखना है, और इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको मैंने ओएक्स लिख दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको रोमन न्यूमेरल में लिखना है, रोमन नंबर्स में लिखना है। क्या लिखना है, रोमन न्यूमेरल।
ठीक है। तो ये हमने जनरल फॉर्मेट इसके लिए पढ़ दिया है। क्या बोला, अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है और कुछ लिगेंड्स है यानी कि वो न्यूट्रल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स करेंगे, ये विद नंबर होना चाहिए और अल्फाबेटिकली होना चाहिए। देन हमारे पास क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम होगा, देन उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी और ये ऑक्सीडेशन स्टेट किस में लिखी जाएगी, रोमन न्यूमेरल में लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करवा लेता हूं, ऊपर वाला ही कंपाउंड ले लेते हैं। ओके, ये हमारे पास CO NH3 का होल थ्राइस और Cl3। देखो IPSC में आपको बहुत इजी वे में करवाऊंगा। देखो सबसे पहले मैंने कहा था आपके साथ लिगेंड लेने हैं, तो यहां पे आपके पास दो टाइप के लिगेंड है, पहला लिगेंड ये है और दूसरा लिगेंड ये है। ठीक है, अल्फाबेटिकली लेना है, तो जो ये NH3 है, NH3 को बोलते हैं amine, AMMINE amine। ओके, जो Cl है, Cl को बोलते हैं क्लोरीडो, क्लोरीडो। ओके, तो जो एमाइन है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, और जो क्लोरीडो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमाइन पहले आएगा। देखो तो कैसे लिखते हैं, जो थ्री है उसको लिखते हैं ट्राई, क्या लिखते हैं ट्राई, तो मैंने लिख दिया ट्राई, ट्राई देन एमाइन। सारी चीजें एक साथ कोऑर्डिनेट करके लिखनी है, मींस दोनों के बीच में कोई भी, दोनों के पूरे जो कॉम्प्लेक्स लिखोगे उसमें कहीं भी स्पेस नहीं छोड़ना है। तो यह आएगा ट्राई एमाइन, ट्राई एमाइन, देन इसमें ट्राई ही क्लोरीडो है, ट्राई ट्राई क्लोरीडो, ट्राई क्लोरीडो, देन उसके बाद जाकर के हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, तो फिर क्या आएगा कोबाल्ट। ओके, देन पैरेंथेसिस और उसमें क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है। अगर तुम्हारे पास, देखो दोबारा बता देता हूं, तुम्हारे पास अगर कॉम्प्लेक्स है CO NH3 का होल थ्राइस और यह है Cl3, तो हम क्या करेंगे, हमें यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी निकालनी है उसको क्या कंसीडर करेंगे, एक्स प्लस, जो यहां पे NH3 है वो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड पे चार्ज कितना होता है, जीरो इंटू कितना हो गया थ्री प्लस, इसके बाद जाकर के Cl3 है, Cl पे चार्ज कितना होता है -1 इंटू थ्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जीरो, देन एक्स -3 इज इक्वल्स टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो इसका मीन्स जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो ऑक्सीडेशन नंबर आया है 3। तो आपको इस 3 को यहां पे रोमन न्यूमेरल में क्या कर देना है, रख देना है। तो इसको आ गया 1, 2, 3। तो इस तरह से मैंने आपको कॉम्प्लेक्सेस के किस तरह से आईपीएससी करनी है वो बताया। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, लिगेंड्स लिखना है। तो हमारे पास क्या थे, ट्राइअमाइन, ट्राइक्लोरीडो, ओके ये लिगेंड हो गए। देन उसके बाद किसकी बारी आती है, CMA की बारी, देन उसके बाद ये जो लिखा हुआ है रोमन न्यूमेरल में, ये क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, ओके ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इस तरह से मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस थे उनका आपको नॉमनक्लेचर बताया है। देन मैं आपके लिए कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिख देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या हो जाए, नॉन हो जाए। देखो कॉम्प्लेक्सेस लिख देता हूं, देन हम नेमिंग एक साथ कर लेंगे। ये आएगा PT, NH3 का होल ट्वाइस और Cl2 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, देन आएगा CO ग्लाइसिनीटो का होल थ्राइस देन कोई एक और कॉम्प्लेक्स बताइए,
आपको देखो कॉम्प्लेक्स अपने मन से जनरेट नहीं करना है, वही कॉम्प्लेक्स हम लिखेंगे जो एग्जिस्ट करेगा। यह आएगा सी आर सी सिक्स एच सिक्स, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर बेंजीन। ओके एंड ठीक है, अभी पहले हम इतने ही जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो नॉर्मली यहां पे क्या है, प्लेटिनियम एज अ सेंट्रल मेटल एटॉम, प्लेटिनियम एज अ सेंट्रल मेटल एटॉम है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग हमें क्या करनी है, लिखनी है। देखो किस तरह से लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिगेंड लिखना है, यहां पे एमाइन और क्लोरीडो है, तो नॉर्मली एमाइन जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता तो उसको लिखेंगे, तो उसका नंबर कितना है, टू, तो हम क्या लिखेंगे, डाई एमाइन डाई क्लोरीडो और प्लेटिनियम। देन यहां पे आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फंडा मैंने आपको बताया हुआ है, अगर मेरे पास ये प्लेटिनियम है, ये NH3 का होल ट्वाइस है और Cl2 है, तो देखो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको एक्सपुट करते हैं, देन अगर आपके पास न्यूट्रल होगा तो ये आएगा 0 × 2 प्लस जो Cl है उस पे जो चार्ज होता है -1 × कितना हो गया 2 = 0, देन एक्स प्लस 0 − 2 = 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2, तो जो यहां पे प्लेटिनियम पे चार्ज है वो +2 है, और मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया है कि जो प्लेटिनियम अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो देखो 2 ये है NH3 और 2 क्या है Cl, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना का 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो यहां पे मैं रोमन जो न्यूमेरल है उसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूं, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ गई है 2। देन अगला हम कर लेते हैं, देखो नॉर्मल जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, नॉर्मल जो आज ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक लिगेंड्स को किस तरह से लिखा जाता है। देखो अगर हमारे पास इनऑर्गेनिक लिगेंड्स क्या होते हैं भाई, जैसे फ्लोराइड हो गया, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आईडिडो, CN-, ये नॉर्मली जो आपको आयन्स इस टाइप के मिलेंगे, SO4-2, देन जो भी हमारे पास ये इनऑर्गेनिक लिगेंड है, चाहे तुम NH3 बोलो, चाहे तुम H2O बोलो, चाहे तुम कार्बोनियल बोलो, तो ये सारे के सारे जो लिगेंड्स हुए ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक लिगेंड्स हुए। अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक लिगेंड्स की, यहां पर रिमार्क करके मैं आपके लिए लिख देता हूं ऑर्गेनिक लिगेंड्स। देखो ऑर्गेनिक लिगेंड्स की बात करता हूं तो एक जो लिगेंड है मैं आपको बताता हूं, ग्लाइसिनिटो, GLY, ग्लाइसिनिटो, इसको कैसे लिखा जाता है भाई, दिस इज CH2, दिस इज CoO-, और इस पे क्या लगा होता है NH2, ये एक टाइप का ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड है वो है, तो इसकी जो डोनर साइड है भाई, डोनर साइड है, तो वो डोनर साइड क्या है, ये इस तरह से मेटल को डोनेट करेगा, ये यहां से मेटल को क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो भाई कितनी डोनर साइड हुई, इसकी डोनर साइड ही 2, एक डोनर साइड ये वाली हो गई और एक डोनर साइड क्या हो गया, ये वाला हो गया, तो ये है ग्लाइसिनिटो, और ग्लाइसिनिटो जो है वो ऑर्गेनिक क्या है, लिगेंड है। और ऑर्गेनिक लिगेंड के बारे में डिस्कस करा देता हूं आपके साथ, एक लिगेंड जैसे है C6H6, क्या है C6H6, दिस इज योर बेंजीन। तो ये भी हमारा क्या है, ऑर्गेनिक लिगेंड है। तो ऑर्गेनिक लिगेंड में और भी चीजें आ सकती है, जैसे मिथाइल अमाइन हो गया CH3NH2, तो ये भी आपका क्या है, ऑर्गेनिक लिगेंड है। तो देखो एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखना, जेई मेंस और एडवांस के लिए ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी होगी। क्या ध्यान रखना होगा, देखो वैसे रिमार्क करके ऐड करवा देता हूं।
रिमार्क करके क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। देखो रिमार्क करके मैं आप लोगों को ऐड कर देता हूँ। क्या कहना है, अगर लिगेंड ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक लिगेंड ओनली फॉर क्या है, फॉर ऑर्गेनिक लिगेंड्स। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना इसे, ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए है। ऑर्गेनिक लिगेंड्स कौन से होते हैं भाई, देखो फर्स्ट वन इज द, मैंने आपको बताया ग्लाइसिनिटो, मैंने आपको बताया ये ग्लाइसिनिटो किस तरह से डोनेट करता है, देन उसके बाद बेंजीन बताया, C6H5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल हो, ठीक है, या एक और मैंने अभी आपको बताया था मिथाइलामाइन CH3NH2। तो इस टाइप के लिगेंड जो पिरिडीन है, एक यहां पे और नोट कर लो, जो यहां पे पिरिडीन है, जो यहां पे पिरिडीन है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एज अ ऑर्गेनिक लिगेंड कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर ऑर्गेनिक लिगेंड जो हम बात करेंगे, अगर हमारे पास दो है, अगर हमारे पास क्या चीज है, दो चीजें हैं, जैसे मैंने कहा मेरे पास पिरिडीन है और वो पिरिडीन का नंबर कितना है, 2 है, तो मैं पिरिडीन को इस टाइम नॉर्मल जो इनऑर्गेनिक लिगेंड है उसकी तरह नहीं करेंगे कि 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। अगर मैं इनऑर्गेनिक होगा, अगर इनऑर्गेनिक होगा और ऑर्गेनिक होगा तो किस तरह से डिक्टेट करेंगे। हाँ देखो, अगर ये इनऑर्गेनिक होता तो मैं इसको लिखता डाई, ठीक है, देन ऑर्गेनिक में इसको लिखते हैं बिस, ठीक है। अगर यही मेरे पास 3 होता लिगेंड में, 3 एक्चुअली जो पिरिडीन है वो मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो मैं आपको कंपेयर करा रहा हूं कि अगर मैं ऑर्गेनिक की जगह पिरिडीन की जगह कोई इनऑर्गेनिक लेता तो उसको क्या बोलते हैं। देखो इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक के केस में ट्राई, और यहां पे बोलते हैं ट्रिस। क्या बोलते हैं, ट्रिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यहां पे 4 होता, अगर मेरा पिरिडीन होता और यहां पे 4 होता, तो 4 को क्या बोलते हैं यहां पे, टेट्रा, और यहां पे क्या बोलते हैं, टेट्रा किस। ओके, अगर ये पिरिडीन 4 ना होकर के, अगर ये पिरिडीन 5 होता, देखो अगर ये पिरिडीन 4 ना होकर के, अगर ये पिरिडीन 5 होता, तो इसको क्या बोलते हैं, यहां पे बोलते हैं पेंटा, और इसको बोलते हैं पेंटा किस। तो इस तरह से मैंने आपको ऑर्गेनिक लिगेंड्स और इनऑर्गेनिक लिगेंड्स को किस तरह से लिखेंगे ये बताया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर की जो बचे हुए हैं। देखो जो सीओ है उसको बोलते हैं कोबाल्ट, जो GLY है उसको बोलते हैं ग्लाइसिनिटो, और ग्लाइसिनिटो मुझको पता है जो ग्लाइसिनिटो है ये ऑर्गेनिक लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है भाई, ऑर्गेनिक लिगेंड। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिस, ना कि इसे ट्राई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रिस। देन ऑर्गेनिक लिगेंड आया तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, GLY को क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनिटो, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनिटो। ओके ग्लाइसिनिटो, देन ब्रैकेट बंद, उसके बाद क्या आएगा, कोबाल्ट, देन उसके बाद कोबाल्ट के बाद क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इन पैरेंथेसिस। अब देखो चार्ज कितना आया, देखो यहां जो आपको मैंने बताया था, यहां पे देखिए ये वाला जो मैंने यहां पे बताया था नॉर्मली, इसको देखो ध्यान से, जो यहां पे मैंने बताया है आपको, उसमें बताया था मैंने कि यहां पे जो ग्लाइसिनिटो है वो दो तरह से डोनेट करता है। एक तो जो डोनेट करेगा वो डोनेट करेगा NH2 की तरफ से डोनेट करेगा, और एक डोनेट करेगा O- की तरफ से, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी चीज, मेरी बात रिमार्क से याद रख लो, इसे एज अ रिमार्क याद रख लो, रिमार्क, अगर कोई चीज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और लोन पेयर से डोनेट करता है, अगर सिंगल बॉन्ड से डोनेट किया, डबल बॉन्ड से डोनेट किया और लोन पेयर से डोनेट किया, तो हमेशा जो उस पर चार्ज आता है भाई, वो चार्ज कितना आता है, जीरो चार्ज आता है। तो यहां से इसने लोन पेयर से डोनेट किया तो यहां का चार्ज जीरो है, और यहां निगेटिव वगैरह कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज क्या है, ये जो -1 आया है सेम यही चार्ज रह जाएगा। तो कितना, ग्लाइसिनिटो पे GLY के ऊपर जो चार्ज लगाएंगे वो चार्ज क्या लगाएंगे, -1 चार्ज लगाएंगे, ठीक है।
तो माइनस वन चार्ज अगर मैं यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं तो कोबाल्ट की निकालूंगा तो उसको माना जाता है, देखो यहां पे निकाल देता हूं, यह है कोबाल्ट, यह है ग्लाइसिनिटो, यह है कोबाल्ट और यह है ग्लाइसिनिटो, ग्लाइसिनिटो का थ्राइस। ओके, तो अगर मुझे यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, एक्स कंसीडर करूंगा, प्लस यहां पे जो ग्लाइसिनिटो है उस पे चार्ज कितना था माइनस वन इंटू कितना आ गया थ्री इज इक्वल्स टू कितना आ गया जीरो, तो इट इम्प्लाइज दैट जो एक्स इज इक्वल्स टू है वो कितना है प्लस थ्री, तो इस पे जो चार्ज आया है वो कितना आया है प्लस थ्री, तो इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पे कोबाल्ट की वो कितनी है थर्ड। और एक लास्ट जो एग्जाम्पल मेरे लिए आपके पास बचा है वो है CrC6H6। देखो एक्चुअली मैं यहां पे आपको समझाऊं तो जो बेंजीन है, अगर मैं यहां पे एक्सप्लेन करवाऊं तो जो बेंजीन है बेंजीन, वो बेंजीन क्या है पाई बॉन्ड के थ्रू डोनेट करता है, जो बेंजीन है वो क्या करता है पाई बॉन्ड के थ्रू क्या करता है डोनेट करता है, ये अगर मेटल है तो बेंजीन क्या करेगा भाई पाई बॉन्ड के थ्रू डोनेट करता है, तो यहां पर से डोनेट करता है, यहां पर से डोनेट करता है और इस पाई बॉन्ड के थ्रू डोनेट करता है। तो याद रखना मैंने तुम्हें बताया था जो सिग्मा बॉन्ड से डोनेट करता है, जो सिग्मा बॉन्ड से डोनेट करता है, जो पाई बॉन्ड से डोनेट करता है, जो लोन पेयर से डोनेट करता है, उस पे चार्ज हमेशा कितना आता है जीरो। तो इसका मींस जो C6H6 है उस पे तो चार्ज आएगा, वो चार्ज कितना आएगा जीरो, जीरो चार्ज आएगा, ठीक है। तो देखो इसका नाम लिखना है, नाम लिखना बहुत आसान है, पहले लिगेंड, लिगेंड क्या है बेंजीन, मैंने आपको बताया जो बेंजीन है वो ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो क्या आएगा बिस बेंजीन, क्या आएगा बिस बेंजीन, तो मैंने बोला क्या लिखना है बिस, देन उसके बाद जो है बेंजीन उसको ब्रैकेट में लिख दो, उसको ब्रैकेट में लिख दिया बिस बेंजीन, देन उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद जो हमारे पास मेटल बचा हुआ है क्रोमियम, क्रोमियम देन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको निकालना बता ही दिया भाई, बताओ कितना ऑक्सीडेशन होगा, इसको मान लेंगे X प्लस जो C6H6 है ये वाला बेंजीन जो है इस पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज कितना आता है जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट X इज इक्वल टू जीरो, तो कितना चार्ज हो गया भाई, तो चार्ज आ गया जीरो, चार्ज आ गया जीरो। तो मैंने आपको एक क्विक ओवरव्यू इसका दे देता हूं, लेक्चर्स यहीं पे समाप्त करते हैं, एक क्विक ओवरव्यू मैं इसका दे देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए आज मैंने आपको इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाए थे जिसमें यहां पे है सेंट्रल मेटल एटम, देन उसके बाद क्या है लिगेंड्स होते हैं, इनके कुछ नंबर होते हैं और क्या इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब इसको मैंने आपको क्या बोला था यह है न्यूट्रल लिगेंड्स, ओके न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है न्यूट्रल लिगेंड्स या न्यूट्रल लिगेंड्स कंपाउंड बोलेंगे, ओके या मैं इसको एग्जैक्टली बोल देता हूं न्यूट्रल कंपाउंड, देन इसका मैंने आपको आईपीएससी बताया था, आईपीएससी में क्या बताया था भाई, सबसे पहले क्या लिखना है लिगेंड का नाम लिखना है, लिगेंड की नेमिंग लिखनी है, लिगेंड की नेमिंग, ये जो नेमिंग है ये नेमिंग आएगी विद नंबर, क्या आएगा भाई विद नंबर, देन ये जो लिगेंड्स आएंगे वो क्या आएंगे अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर, ओके अल्फाबेटिकली ये लिगेंड्स आएंगे, देन उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था, देन मैंने उसके बाद बताया था फिर आएगा सेंट्रल मेटल एटम, ओके फिर उसके बाद क्या आएगा सेंट्रल मेटल एटम, देन उसके बाद इस सेंट्रल मेटल एटम का क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। और भाई इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा उसको लिखेंगे रोमन न्यूमेरल। अब कुछ मैंने आपको रिमार्क बताया था, बताओ रिमार्क क्या बताया था, अगर इनऑर्गेनिक लिगेंड होगा और ऑर्गेनिक लिगेंड है तो क्या होगा,
अगर दो लिगेंड है तो इनऑर्गेनिक में उसको क्या बोलेंगे? डाई। लेकिन इसमें इसको क्या बोलेंगे? बिस। अगर तीन लिगेंड है तो क्या बोलेंगे? ट्राई। और यहां क्या बोलेंगे? ट्रिस। अगर चार लिगेंड है तो यहां पे बोलेंगे टेट्रा, टेट्रा। लेकिन यहां पे क्या बोलेंगे? टेट्राकिस। अगर पांच लिगेंड है तो यहां पे बोलेंगे पेंटा, और यहां पे क्या बोलेंगे? पेंटाकिस, पेंटाकिस। तो यहां पे मैंने इस तरह से आपको ये बताया था। एक रिमार्क मैंने और बताया था, एक रिमार्क देखो, आईआईटी जेई और नीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता चले कि कंपाउंड में किस तरह से चार्जेस आते हैं। तो मैं यहां पे एक और रिमार्क आपको लिख देता हूं कि अगर कोई सिग्मा बॉन्ड डोनर हो, कोई पाई बॉन्ड से डोनेट करता हो, कोई लोन पेयर से डोनेट करता हो, तो इसने मेटल को लोन पेयर से डोनेट किया। कोई लिगेंड, मैंने जैसे NH3 बोला, तो NH3 में मैंने क्या बताया था आपको, ये कहां से डोनेट करते हैं? लोन पेयर से। जैसे मैं H2O बोला है, तो H2O में क्या करेंगे, ये जो आपको डोनेट करेगा वो लोन पेयर से डोनेट करता है, और जो लोन पेयर से डोनेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस पर जो चार्ज आता है वो कितना आता है? जीरो आता है। ऐसी पाई बॉन्ड डोनर भी होते हैं और सिग्मा बॉन्ड डोनर भी होते हैं। आगे की जो वीडियोस है उसमें मैं आपको ये चीजें क्लियर करूंगा कि किस तरह से पाई बॉन्ड से डोनेट होता है, किस तरह से सिग्मा बॉन्ड से डोनेट होता है। पाई बॉन्ड तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आपका ये जो बेंजीन है, बेंजीन में जो डोनेशन होता है वो कौन सा डोनेशन होता है भाई, वो जो डोनेट होता है वो पाई बॉन्ड के थ्रू डोनेट होता है। तो देखो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये यहां से डोनेट करेगा, ये यहां से डोनेट करेगा, ये यहां से डोनेट करेगा, तो ये पाई बॉन्ड से डोनेट है, तो इसका मतलब इस पर जो चार्ज आएगा वो क्या जाएगा? जीरो चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हमने न्यूट्रल जो कंपाउंड है उसमें आईपीएसी सीखी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, हैप्पी लर्निंग।